हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और आज जिस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर हमारे इंजन के अंदर अगर हमारे फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो हम फ्यूल का हमारा अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं, अगर वो फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर दूसरा रीज़न कि वो जो फ्यूल अगर अच्छी क्वालिटी का है भी और हमारे इंजन में आ रहा है और प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पा रही है, तो वॉल्व पे एग्जॉस्ट वॉल्व या इनलेट वॉल्व जो हमारे गाड़ी के अंदर होते हैं, इंजन के अंदर होते हैं, उसके ऊपर वॉल्व के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और अगर वॉल्व के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है तो वॉल्व इंजन की एफिशिएंसी कैसे कम कर देता है, इंजन की माइलेज कैसे कम कर देता है, इंजन की पिकअप कैसे कम कर देता है, तो ये समझने वाला टेक्निकल पॉइंट है। बहुत छोटी सी छोटा सा रीज़न होता है इस चीज़ के पीछे, बट नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो होप आप ये वीडियो देखेंगे, अगर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और अच्छी लगे तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए फिर समझते हैं वॉल्व के बारे में। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंजन के ऊपर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि वॉल्व जो हैं, ये वाले वॉल्व जो हैं, ये कहाँ पे लगते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं 4 सिलेंडर इंजन है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 वॉल्व्स हैं। ये एग्जॉस्ट वॉल्व हैं, जहाँ से ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं बाहर जाती हैं स्मोक बनकर, और ये इनलेट वॉल्व हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है। अच्छा, तो वॉल्व दोनों ही वॉल्व इस तरह के मिलेंगे आपको। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा इनलेट वॉल्व होता है उसका ये साइज़ एज़ कम्पेयर टू एग्जॉस्ट वॉल्व बड़ा होता है। इनलेट वॉल्व का ये साइज़ बड़ा होगा, एग्जॉस्ट वॉल्व का ये साइज़ छोटा होगा। उसका रीज़न ये होता है, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे जाना नहीं चाह रहा क्योंकि अलग टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि एग्जॉस्ट वॉल्व में अगर हम स्मॉल होल रखेंगे तो वहाँ से जब गैसेस बाहर जाती हैं तो प्रेशर के साथ वो सिलेंडर से बाहर निकल पाएँ, सिर्फ यही एक इसका मेन कारण होता है। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि वॉल्व यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वॉल्व नहीं है, ये भी वॉल्व नहीं है, बट इसके अंदर यहाँ पे जो वॉल्व है आप देख सकते हैं, ये वॉल्व जो है वो इस तरह से लगा रहता है, पोजीशन इसकी अंदर होती है इस तरह से, आप देख पा रहे हैं, ये वॉल्व इस तरह से अंदर जो है वो इसके अंदर रहता है। और जब ये ओपन होता है तो ये इस तरह से पुश करता है जिसकी वजह से ओपन होता है, और जब ये क्लोज होता है तो ये इस तरह से वापस आ जाता है जिसकी वजह से क्लोज होता है। हर सिलेंडर के अंदर वॉल्व इसी तरह से मूवमेंट करता है, और वॉल्व को जो ऑपरेट करता है वो करता है हमारा कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट घूमती है और ये टैपेट्स होते हैं वॉल्व को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं, ओपन क्लोज इस तरह से। तो फिर समझते हैं कि अगर वॉल्व में अगर कार्बन डिपोजिशन हो गया हो, जैसे आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मे बी शायद आपको दिख रहा हो, ये सारा जो है ये कार्बन डिपोजिशन हो रखा है यहाँ पे, मीन्स कार्बन यहाँ पे वॉल्व पे जमा हो गया है। इस इतने से कार्बन जमा होने से क्या फर्क पड़ता है इंजन की एफिशिएंसी के ऊपर? जैसे मैंने पहले बताया कि वॉल्व जो होता है वो ओपन और क्लोज होने का काम करता है, वॉल्व ओपन और क्लोज होता है जिसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाती हैं, कंप्रेस भी होती हैं। बेसिकली 4 स्ट्रोक इसमें लगते हैं। सक्शन स्ट्रोक में वॉल्व ओपन हो जाता है, कैसे ही क्लोज रहता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक फॉर एग्जाम्पल ये वॉल्व सीट के तौर पर मैंने ये लिया है, तो ये किस तरह से काम करता है, ये इस तरह से फिटिंग इसकी रहती है। वॉल्व सीट ये वो वाला पोर्शन तो है, वो वॉल्व सीट है नहीं एक्चुअली, बट फॉर एग्जाम्पल इसी तरह का होता है, आप समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये वॉल्व इस तरह से वॉल्व सीट के ऊपर जब क्लोज होता है तो इस तरह से सेट बैठ जाता है। जब वॉल्व ओपन होता है तो वॉल्व की पोजिशन इस तरह से हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्व जो है, जिसको हम बोलते हैं, ओपन हो जाता है। और ये जो फिर स्पेस बचा, यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो अंदर आ जाता है सिलेंडर के अंदर। जैसे ही एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ गया तो बॉल दोबारा से ये बंद हो जाता है, और फिर अंदर जो है वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो जलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और एयर फ्यूल मिक्सचर जब जल जाता है, कंप्रेस होने के बाद जब जल जाता है, पावर जब बन जाती है, तो उसके बाद में जो सिलेंडर के अंदर जो एग्जॉस्ट रह गया इस जगह पे जो एग्जॉस्ट रह गया सिलेंडर के अंदर, धुआं जो रह गया, उसको बाहर निकालने के लिए वॉल्व जो है वो जो इसका लास्ट स्ट्रोक होता है उसमें दोबारा से वॉल्व इस तरह से ओपन होता है, और एग्जॉस्ट गैसेस जो है फिर यहाँ से होते हुए फिर बाहर जो है वो साइलेंसर या हमारे एग्जॉस्ट में जो है वो बाहर आ जाती हैं, और वॉल्व फिर से बंद हो जाता है।
फिर इस तरह से वॉल्व दोबारा से फिर से जो है वो बंद हो जाता है और उसकी पोजीशन ये आ जाती है। ओके, अब बात ये करते हैं कि जब एयर फ्यूल मिक्सचर जब अंदर आ गया, फर्स्ट वन जब वॉल्व ओपन हुआ, एयर फ्यूल मिक्सचर जब अंदर आ गया और उसके बाद जब वॉल्व बंद हो गया, तो बंद होने के बाद फिर अंदर जो प्रोसेस हो रहा है पावर बनने का, पावर मीन्स एयर फ्यूल मिक्सचर को जब जलाया, जो गैसेस बनी, तो गैसेस अगर वॉल्व आपका ठीक हुआ फिर तो गैसेस यहाँ से लीक नहीं होंगी। अगर वॉल्व आपका खराब है या कुछ उस पर डिपोजिशन हो रखी है जैसे मैंने बताया, तो ये वॉल्व जो है वॉल्व सीट के ऊपर पूरी तरह से सेट नहीं बैठेगा, तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे वॉल्व बंद हो जाता है बिल्कुल। अब क्या होता है कि ये जो आप इधर से जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से फिर गैप जो है वो बच जाता है, जिसमें से फिर जो गैसेस अंदर बन रही हैं वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो फिर यहाँ से जो गैसेस लीक होने का जो काम होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन की पावर अंदर कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि जो पावर यहाँ से लीक हो गई वो तो फिर रियर व्हील्स तक नहीं पहुंची, वो तो सिलेंडर में से ही लीक हो गई, वॉल्व में से ही लीक हो गई। तो इसका जो मेन रीज़न है, बहुत छोटी सी बात है बट इतना नुकसान है इस चीज़ का, तो इसका जो मेन रीज़न है वो रीज़न है ये जो कार्बन डिपोजिशन जमा हो रखा है, मैं निकाल देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। शायद आपको दिख रहा हो निकलता हुआ, ये सारा कार्बन डिपोजिशन जो है वो वॉल्व के ऊपर हो रखा होता है, जिसकी वजह से वॉल्व जो है वॉल्व की सीट के ऊपर क्लोज पूरी तरह से नहीं होता है और गैप जो है वो बच जाता है, और गैप बचने से फिर जो है वो एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ साथ हमारी जो गैसेस अंदर बन रही हैं एयर फ्यूल मिक्सचर जलने के बाद, वो गैसेस भी फिर यहाँ से लीक होती रहती हैं, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो इसलिए जमता है, ये इसलिए जमा होता है क्योंकि जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं अपने पेट्रोल टैंक में, जो फ्यूल डलवा रहे हैं, या तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, नंबर टू, या तो हमारा जो इंजन है वो फ्यूल को प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से नहीं जला पा रहा है, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है वो बच जा रहा है, आधा अधूरा जो डस्ट सॉरी जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो बच जा रहे हैं, और जो हमारा एग्जॉस्ट है वो पूरी तरह से उन कार्बन पार्टिकल्स को क्लाइमेट में नहीं निकाल पा रहा है। तो जब फ्यूल की क्वालिटी सही नहीं होती है और फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलता है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वीक स्पार्क है, स्पार्क प्लग पूरी तरह से स्पार्क नहीं करता है, जिसकी वजह से फ्यूल भी पूरी तरह से नहीं जलता है, या फिर कंप्रेशन में अगर डीजल इंजन की बात करूँ तो डीजल इंजन में भी जो कंप्रेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, और जो हमारा टेम्परेचर है उतना नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है। जब फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलेगा तो ये कार्बन जो है वो लाजमी है बनना, अपने आप यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा और वो इसके अंदर जमना शुरू हो जाएगा। सिलेंडर वॉल्स के अंदर भी जमता है बट जब यहाँ पे जमा हो जाएगा तो ये फिर लीकेज का काम करना शुरू कर देगा। तो होप कि आप समझे होंगे कि अगर हम इंजन को प्रॉपर मेंटेन ना रखें, सही क्वालिटी का फ्यूल ना डलवाएं, और हमारी अगर स्पार्क वीक है, स्पार्क प्लग से स्पार्क कम आ रही है, तो भी इंजन हमारा फ्यूल जो है वो पूरी तरह से नहीं जलता और कार्बन की शक्ल में यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। मैंने स्पार्क प्लग पे डिस्ट्रीब्यूटर पे वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बस यही एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारा जो एक छोटी सी गलती के कारण, एक छोटी सी भूल के कारण हमारा इंजन की एफिशिएंसी किस तरह से कम हो जाती है। तो मे बी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दें, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।